अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तुहाडा भरा मियां मुहम्मद अफजल बट्टू ते तुसीं वेखदे पिओ डिजिटल किसान पाकिस्तान। ते किसान वीर भराओ, सैलाब आ गया है ते असां मौजूद हां जनाब दरियाए सतलुज के किनारे ते इह सैलाब आया है हिंदुस्तान की तरफों चढ़ते पंजाब वाली साइड तों। ते पानी की पोजिशन चैक कर लो, काफ़ी तेज़ पानी है ते पहले भी हड़ सैलाब डोबा आंदा रहा फ्लड, लेकिन कई साल बाद हुण एक बार फिर आया है। तो खबर तुसीं सुनिया होगा भी मीडिया कहिंदा जी आबी जारियत हो गई, आबी जारियत के नाल नाल साडी हुकूमत नूं चाहिए डैम बनाने। अगर डैम बने होंगे तो फिर इस तरीके तबाही नहीं होनी सी जो हुण तुहानूं असीं विखावांगे। फसल डुब गई ने, तकरीबन पिंडां नूं पानी ने घेरे च लिया है। तो पानी की स्पीड चेक कर लो, बहुत ज़्यादा स्पीड है। सारे पिंडां दे चारों तरफ ना घेर लिया है। तो आप पिछले फसल है तो इतों के नौजवान साढ़े ना किसान भाई मौजूद ने, इन्हों गलबात करने भी इलाका केड़ा है तो इतने इन्हों की फसलों का की नुकसान होया। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है, की ना तुहाडा? मुहम्मद अफजल। अफजल भाई ये दसो भी की फसलों का नुकसान हो रहा है? तेल तेल है, मक्की हैगी। अच्छा, दाही है ते आ सामने जी फसल डुबी पई है, जड़ा है ने तूड़ी दिया वो भी खराब हो गई ने। हां जी, रोड गई ने, उमें सबूत ही सारी पानी चढ़ गया सामने, और को घर सारा वो डूब गया है। ओ सामने, हां जी सामने पानी तो पानी सारा आ गया। अच्छा, तो सबो के अनु पानी चढ़ गया सबो आ सामने। तुसी कहां समझ के चले, उधर पानी नाल बांध दे नाल लग गया पानी, उधर तो बांध दे नाल बिल्कुल पानी नाल लग गया। ठीक है, बाकी असं गए उ विजिट किया, काफ़ी दोस्त जड़े ने अपना समान चुक के बहर ले जाते पे ने। चेक करो जी। अच्छा, इतों अपने आप बंदे निकलते पे ने या कोई हुकूमत मशीनरी आ गई, कश्तियाँ वगैरह? कुछ भी नहीं आई, बेड़े चल रहे, कश्तियाँ चल रही। अपने अपनी मदद आप तहत हर कोई निकलता पे? हाँ जी, निकल रहे। अच्छा, वो तो पहले ही चलता है? हाँ जी, चलता तो पहले था, लेकिन हुण जिहड़ा चलता उहनूं जरूरी बन गया, जरूरी बन गया है। जिन्ने जाणा जा सकदा है। ते जदों सैलाब तो पहले इत्थे पानी रुकिया हुंदा सी? हाँ, बार रुका हुंदा, कोई पानी लोड लोड कुछ नहीं है, लोड लोड कोई नहीं है। ठीक हो गया। ओ तो ट्रैक्टर ट्राले ओवें लाग लुग जांदे, पानी पिछे लाग जांदे, लेकिन हुण कोई चीज नहीं उठ लगदी। ते दोस्तों अच्छा करो ते मेहरबानी। ते जिस तरीके सारे दोस्तां नूं पता चल गया होवेगा वी हिंदुस्तान ने पानी छड़ दिता है, क्योंकि उन्हां वाले आ गया सैलाब, बारिशां शदीद हुई ने। तो पहले तो पानी हैगा सी दरिया सतलुज का बंद, काफ़ी सालों तो हिंदुस्तान ने रोकया हुआ सी, उन्हां डैम बनाए हुए सन। तो दरिया की खुशकी की वजह नाल दरिया दा जिहड़ा पेट है बन दे अंदर अंदर किसान वीरां ने फसलां लगाईआं हुई सन, जिहदे विच मुंजी तिली वगैरह या चारा जात आबादियां हैगियां सन काफ़ी। तो दोस्तों हुण जदों उन्हां तों पानी गया वध, उन्हां इह छड्डिया, इहदा जिहड़ा नुकसान है फसलां तकरीबन डुबियां जांदियां ने, कुछ डुब गईआं ने। ते जिहड़ियां आबादियां हैगियां ने दरिया दे पेट विच, उह वी अक्सर इस दी लपेट च आ गईआं ने पानी दी विच, ते उह वी डुब्बे जांदे ने। ते उन्हां वास्ते दवाई कीती जा सकदी है, क्योंकि इत्थे सानूं तां कोई हुकूमती मशीनरी नज़र नहीं आई, सिर्फ पेड़े लगे हुए ने, वो भी अपनी मदद आप के तहत हर कोई अपना समान पार कटता भी है, जिदे विच माल मुआइशी दाना पक्का जितना भी कोई कट सकता है वह कटते पैने। तो ये नाल नाल तुहानूं विखांदा चलां भी पानी की स्पीड चेक कर लो। तो बार्डर तकरीबन बार्डर तुहानूं विखाइए, सामने 3 से 4 किलोमीटर के फासले से जीरो लाइन। तो पानी का प्रैशर चेक करो, बहुत ज़्यादा प्रैशर है। सामने तिली की फसल डुब चुकी है, सारा ही किसानों को नुकसान। दूसरी साइड भी चेक कर लो, तो मजीद तुम फसल विखावे कितनिया डुबिया ने, किसानों का इंटरव्यू लैके विखावे तू, जिस तरीके किसान परेशान ने। तो हुकूमत को चाहिए है जिस तरीके हिंदुस्तान ने डैम बनाए ने, ये बार बार गिला करते हैं भी हिंदुस्तान ने पानी छड़ दिता है। तो अगर साढ़े अगे डैम बने होंगे तो मेरा ख्याल है सानू गिला करने की भी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों उन्हां कोल इजाफी पानी हुंदा है तो उन्हां दा काम है छड़ना ही छड़ना,
तो सानू ये बड़ा नुकसान दिंदा है, फसलां साड़ियां खराब हुंदियां ने, आबादियां घर तबाह हो जाते हैं। किसान जो मेहनत करके 10-20 साल अगे पहुँचता है वो फिर जनाब इस सैलाब दे जदों दी फसल होंदी है वो 10-20 साल फिर पिछे चला जाता है। वेखो जी बोर बूर डुबे पे ने, ए वेखना जी ट्यूबवैल, ए जी तैयार तेल आए, ए तकरीबन तैयार होए खड़े ने, गुत्ते को चंद फुल रह गए ने जी, ए डुब गए ने, ते ए जी नहीं